नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 9 भारतवर्ष। खबर फरुखाबाद से है। नाग पंचमी पर हनुमान मंदिर में नाग देवता का हुआ आगमन। नाग देवता के आगमन की सूचना पर सैकड़ों की तादाद में देखने वालों की भीड़ हुई जमा। मंदिर में सैकड़ों की तादाद में भीड़ की सूचना पर मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष। नाग देवता ने मंदिर पहुंचकर पिया दूध। नाग देवता देखते देखते हुए अंतर्ध्यान। थाना राजेपुर क्षेत्र के हनुमान मंदिर का है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना से जिला उपाध्यक्ष दलवीर सिंह, ग्राम राजेपुर राठौर, जिला फरुखाबाद। ये बताइए, नाग पंचमी पर आज बजरंगबली मंदिर में नाग देवता आए, क्या पहले भी आते थे? क्या होता है ये? करीबन 7 सालों से हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग मानते नहीं थे। आज काफी समय तक नाग देवता रुके हैं तो गाँव वाले देख रहे हैं। कितना समय होगा? कम से कम अभी 3 घंटे हो चुके हैं। पहले आए थे, दूध भी पिए थे, लोगों ने पिलाया था। अब यहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, करीब 500-600 आदमी है। इसी वजह से शोर शराबे के चक्कर में नाग देवता शांत बैठे हुए हैं, पर अभी तक किसी सरकार ने या किसी ज्ञानी पुरुष ने यहाँ बजरंगबली मंदिर पर नज़र नहीं डाली, धाम नहीं घोषित किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनकी हमेशा मन्नत पूरी होती है। जब से हमारा जन्म हुआ है, जब से हमने सुत संवारी है, जब से मैं बालिक हुआ, तब से हमेशा देखी यहाँ मुराद पूरी होती है। बोल जय श्री राम, जय माँ भवानी। क्या नाम है आपका माता जी? सरला। निवासी? राजेपुर। जी बताइए, बजरंगबली मंदिर पर आज नाग पंचमी पर देवता जी आए, नाग देवता आए, क्या पहले भी कभी आते थे? इसके बताएं। पहले कभी नहीं आए, आज ही आए। आज पहली बार आए? पहली बार आए। तो कितनी देर हो गई नाग देवता रुके हुए मंदिर पर? आज इनको 1-2 घंटा हो गए। कितनी भीड़ मौजूद है? कम से ज्यादा भीड़ मौजूद है। भीड़ है। बहुत भीड़ है। तो पहले कभी नहीं, आज पहली बार आए नाग पंचमी? आज ही पहली बार देखो, कभी नहीं देखे किसी। तो आपको सूचना कैसे मिली? आप हमें सूचना जब मिली, जब यहाँ पे देखते लोग गए तो उन्होंने हम सब बताई कि तुम भी जाओ, तो हम चले आए दर्शन करने के लिए। उनके पाए लागे